अभी जी हम बढ़ रहे हैं ट्रंक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मुरीन और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मजे में होंगे। जो भी नया सब्सक्राइबर है, जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे और ये वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। और बहुत सारे सब्सक्राइब हमारे साथ बाहर के जुड़े हुए हैं, कश्मीर से बाहर के, तो उन लोगों को वेलकम है मेरी चैनल पे। और बने रहिए इस चैनल पे, क्योंकि इस चैनल पे आ रहे हैं बहुत जबरदस्त व्लॉग आते हैं रहते हैं, और कश्मीर हम आपको घुमा के ले जाएंगे बस व्लॉग्स के जरिए। ठीक है, तो हम व्लॉग्स करते हैं हमेशा, डेली व्लॉग्स करते हैं, ट्राई करते हैं कि डेली व्लॉग्स करें। और आज हमारे साथ कौन है, आज संडे है, ठीक है, आज कौन आया हमारे पास, वो है सकलैन। सकलैन आ गया है क्योंकि लोगों की डिमांड पे कि सकलैन आप सकलैन के घर बहुत जाते हो, मगर सुचु ने मान किया वो नहीं आता आपके घर, तो ये आता रहता है तो अभी आया हुआ है। तो आज हम कुछ संडे है, ये थक गया है, कुछ बैठा है अभी, चिल कर रहा है, और मेरा भी कुछ प्लान है, विल सी आज हम दो क्या करते हैं आज दिन भर, वो आप लोगों से हम जरूर शेयर करेंगे और ट्राई करेंगे कि कहीं जाए, अगर इफ पॉसिबल हुआ तो विल ट्राई और कहीं जाएंगे। ठीक है सकलैन, इंशाल्लाह विल ट्राई कि हम कहीं जाए। और पिछली वाले वीडियो पे जो पिछले कितने 3 हफ्ते पहले चढ़ाया था, उस पर 30,000 व्यूज थे, और आज एक दिन में उसमें 2,06,000 व्यूज अभी तक क्रॉस हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस वीडियो को प्यार देने के लिए। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको मजा आएगा देखने में, तो चलो टाइम वेस्ट करने के बिना हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो चले लेट्स गो। बॉब बॉब मिली बदनी, चलो ऊपर गो। हाँ जी, प्लान कुछ अचानक बन रहे, क्रिकेट खेल के हमें पता ही नहीं हमें क्या हुआ, अचानक से निकल रहे पापा अपनी गाड़ी को सहारे, मेरे सकलैन और मैं जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं रास्ते में बोलता हूँ, टाइम नहीं है, चलो। हाँ जी, अचानक से ये प्लान बन गया कि कजन्स के साथ कहीं जाएंगे, तो सकलैन और मैं चल रहे अपनी कॉलोनी से बाहर निकलेंगे, अपनी गाड़ी में नहीं जा रहे, तो कजन्स आ रहे, उनने बोला तुम लोग भी आ जाओ बाहर, हम आपको भी उठाएंगे, तो जाएंगे कहीं। मैंने सोचा कि अरे हमें व्लॉग बनाने से मतलब है, आप हमें कहीं भी ले जाओ बस व्लॉग बनना चाहिए, तो अभी नो आइडिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या होगा, तो चले लेट्स गो। अभी जी हम पहुँचे हैं बाहर सड़क पे, ठीक है, तो हमें अपने एक प्यारे नेबर ने यहाँ तक लिख लिया, तो अभी यहाँ पे हमें आएंगे कजन्स और फिर चलेंगे। ठीक है, ये जगह तो आप लोगों को पता होगी, चलो जी। वाह, ये जी हम पहुंच गए टंगमर्ग, और आप लोगों को आप पता चला कि हम टंगमर्ग जा रहे हैं, वाह 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 खूबसूरत। अभी जी हमने स्टार्ट किया है वॉक करना, और हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे द्रंग वॉक करते करते, और वॉक करते करते जो मज़ा आएगा ना वो एपिक है। ठीक है, वॉक करते करते ज़्यादा मज़ा है, गाड़ी में भी जा सकते थे, पहले चेन्स लगानी थी वगैरह वगैरह, उसमें टाइम लगता और ट्रैफिक मतलब पूरी लाइन में रहना था, तो फिलहाल आपको आज हम द्रंग के खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। ठीक है, सीधा चलते हैं, और अभी हम वॉक कर रहे हैं, अभी जी हम वॉक कर रहे हैं यहाँ से, ये देख सकते हैं आप खूबसूरत नज़ारे, और द्रंग बहुत खूबसूरत है, और रास्ते में क्या क्या खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी वो भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। वाह खूबसूरत, ओ भाई साहब, आगे चलो आगे चलो, ये आएगा तेज यहाँ से निकलेगा साइड से, ये देखिए जी गाड़ियां फंस रही है, इसने शायद चेन नहीं लगाई है तो उसकी वजह से फंस रही है, क्योंकि आधे लोग करते हैं इस लॉकडाउन में चेन, हम चेन वगैरह नहीं लगाएंगे, हम आ सकते हैं बट उसकी वजह से सब गाड़ियों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक को अगर प्रॉब्लम होगी तो बाकी सब की भी हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, अभी वो चढ़ नहीं पा रहा है वहाँ पर, वो वापस ही जा रहा है, हम इसलिए पैदल आए, और सेफ भी है, मज़ा भी आ रहा है पैदल में। ठीक है,
ये देखे गाड़ियां फंसती जा रही है, यही जी है द्रंग के नजारे। हाँ यही है कश्मीर, आप देख सकते हैं गाड़ियां नहीं चल पा रही है क्योंकि यहाँ पे चेन लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो कट्स है पूरे ब्लाइंड कट्स है और इस पे गाड़ी चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत हद से ज्यादा मुश्किल। तो देख सकते हैं और अभी जी हम बढ़ रहे हैं ड्रंग की तरफ, जस्ट हमने आधा किलोमीटर भी नहीं अभी कवर किया होगा, अभी जस्ट चल रहे हैं और चूँ ही पहुँचते हैं और जितनी भी खास खास चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो चले मेरे साथ सफ़र पे, और अब हमें ठंड भी लग रही है थोड़ा थोड़ा, हाथ ठंडे हो रहे हैं, बाकी ज़बरदस्त और खूबसूरती आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह। अगर मैं आरजे बना क्या लगता है सकलेन, तो 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं आरजे मुरीन को और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे मुरीन, नहीं बनूंगा चल वहां पे जा छाना तो ठीक कर रहे। हाँ जी यहाँ पे आपने सुना होगा मुरीन किसी ने बैक साइड से बोला, एक सब्सक्राइबर मिलने आए, तो उनको अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से कि आप लोग इतना प्यार देते हैं मिलते हैं, और जो भी मिला द्रंग में उसको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं, इतना सपोर्ट दिखाते हैं, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, हाँ खूबसूरती इज अल्टीमेट। एक ब्लॉगर जो होता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, और जो देखो मैं मुंबई घूम के आया और इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स घूम के आया, सब खूबसूरत है अपने अपने अंदाज से, बट जो इधर खूबसूरती है ना मुझे नहीं लगता सीरियसली, और केरला भी तो बहुत खूबसूरत है ना, बट जितना ये है ना मतलब बर्फ से पहाड़ ये जितना मुझे फैसिनेट करता है ना वो अल्टीमेट है, ठीक है, मज़ा ताज़ी हवा और टेम्परेचर भी बहुत खूबसूरत है। इस टाइम फेब का महीना है, तो अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप यहाँ आएंगे कश्मीर, तो अभी वाला जो मौसम है कश्मीर में बहुत खूबसूरत है, आप आ सकते हैं, है ना सकलेन, ठंड भी नहीं है, आप श्रीनगर में अगर रहेंगे स्टे करेंगे तो कुछ ठंड नहीं है, और अगर ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड जाएंगे तो ठंड है बट ठीक है उतनी भी नहीं है। तो फिलहाल अभी हम वॉक कर रहे हैं और ख़ुद भी एंजॉय कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को भी एंजॉय कराए, तो चलते ये देख सकते हैं आप बैकग्राउंड। सकलेन हमें कितना टाइम हुआ लगभग चलते चलते, इस टाइम आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से हम चल रहे हैं और बस अब कुछ ही डिस्टेंस पे हम पहुंच जाएंगे, तो स्टे कनेक्टेड स्टे ट्यून्ड, और बस कुछ ही डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस है अब तो, चले ठीक है। हाँ जी, तो गाइज हमने कम से कम 45 मिनट्स का वॉक किया और माशाल्लाह खूबसूरती नज़र आ गई, बट अभी मुझे यहाँ से लग रहा है कि आज पूरा ये फ्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे द्रंग में क्या है ना, जिसको नहीं पता है उसको मैं बताऊँ, तो द्रंग में वाटरफॉल है और ये वाटरफॉल जो है वो डैम से आता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसी को खोल के जो पानी आता है नीचे, ठीक है, रिवर में जाता है, वही फ्रीज हो जाता है और वही बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं, ये देखो यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस है और वो वहाँ से डैम है, और बस अब ये ब्रिज क्रॉस करना है और हम पहुंच जाएंगे, और अभी आपको मैं दिखाऊंगा। हाँ जी, अब तो मेरे बैकग्राउंड से आप देख सकते हैं वाटरफॉल, बड़ा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, अभी मैं पूरा आपको आगे से दिखाऊँगा वहाँ पहुँच के, बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। यहाँ जी इतनी भीड़ है टूरिस्ट की, इतनी भीड़ मतलब लोकल लोगों की भी है टूरिस्ट की भी है, बहुत भीड़ है। सो वी आर जस्ट अभी वॉकिंग टूवर्ड्स पूरा जहाँ पे आपको खूबसूरती और भी खूबसूरती नज़र आएगी। शोर यहाँ बहुत है बट वो आपको आ नहीं रहा होगा क्योंकि माइक लगी हुई है, फिलहाल ये वाली बाइक्स आपको यहाँ पे ला सकती है, ठीक है। तो फिलहाल ये जी कुछ नज़ारे हैं द्रंग के, अभी फ्रंट कैमरा से विल शो यू। ये जी हो गया द्रंग,
ये जी यहाँ पे कुछ नजारे, सब टूरिस्ट यहाँ पे आए। बढ़िया बढ़िया, स्टार्ट करो फिर। सो जी अभी हम जा रहे हैं नीचे, क्या हाल है? तो अभी हम जाते हैं पहले नीचे, और पापा जी सभी यहाँ से आ जाओ। हम जी जाने वाले स्लाइड करके नीचे। ओ भाई साहब, ओए भाई साहब, ओ भाई साहब। ये जी कुछ अब रंग के नज़ारे, फोटो शूट हो गया, इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट हो गया। अब आप देख सकते हैं ये खूबसूरत से नज़ारे मेरे बैक साइड से, इस साइड से भी बड़ा बड़ा खूबसूरत है, और यहाँ से पूरा वाटरफॉल हो रहा है। ये अभी फ्रीज नहीं हुआ है, बट मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही ही होगी इंशाल्लाह। और यहाँ से भी बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत सारे लोग फोटो शूट कर रहे हैं। एक मिनट, सकलैन भी किसी का फोटो शूट करने बैठ गया। अभी हमें एक और चीज़ है कि ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ते चढ़ते अगर मैं गिर गया तो मुश्किल है, ठीक है। ओ हो हो, मुझे आ जाओ सकलैन साहब। ओ मैन, ये देखे जी मजे। वहां पे फोटो शूट करने के लिए इतनी भीड़ है, और अभी हम थोड़ा सा आ गया है, और यहाँ पे सबसे बेस्ट जगह है, कोई है भी नहीं, और फोटो शूट भी आराम से हो सकता है। पूरा स्लिप हो रही है, बट यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे सही में कोई नहीं है, और बेस्ट जगह है, बेस्ट अल्टीमेट। ये जी देखे द्रंग के पूरे नजारे, वाह खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत, और वहां पे सबसे ज्यादा भीड़ है, वरना यहीं पे ज्यादा खूबसूरत है। ये देखे बड़ा बड़ा खूबसूरत है, जबरदस्त। अगर आप द्रंग कम से कम आप अगर आ रहे हैं 10 बजे, आप यहाँ पहुंच रहे हो सुबह के 10 बजे, तो आप द्रंग के इस साइड से, आगे से द्रंग है वो वाटरफॉल, उसके यहाँ से आ सकते हैं और पूरा ऊपर जाके ट्रैक कर सकते हैं, और बड़ा खूबसूरत है इधर से, मतलब अल्टीमेट ब्यूटी है। और बहुत बहुत यहाँ से लोग भी जाते हैं ट्रैक करने, और बहुत मज़ा आता है वहाँ ट्रैक करते करते जाने में, ठीक है। तो अगर आप बहुत जल्दी आ रहे हैं और फ्री है और ट्रैक करना पसंद करते हैं, तो यू कैन कम इस जगह, और बहुत मज़ा है, और फोटो शूट भी यहाँ पे अच्छा होगा, ठीक है जी। देखिए आते आते एक गाड़ी फंस गई, उसकी वजह से सब गाड़ियाँ फंस गई, और सबको द्रंग के लिए लेट हो रहा है। हाँ जी, अभी हम गाड़ी से आए और उतरे, द्रंग से आए टंगमर्ग, और यहाँ पे है पारसाज, ठीक है। और अभी जाएंगे पारसाज, विल चेक कि कैसा है, ठीक है। ये जी यहाँ से तो जाते पेट पूजा करते हैं, अभी कुछ नहीं खाया जब से आए हैं, तो पेट पूजा करते हैं, विल सी क्या क्या मिलता है इधर। टोपी लगाई, ठंड बहुत है, ठीक है। चलो जी सकल खाओ आप, मैं अपना खा दूँ, अपना खाओ। हाँ जी, पारसाज से हम निकल रहे हैं, और टंगमर्ग का पारसाज मैं रिव्यू देता हूँ रियल वाले। तो टंगमर्ग का जो पारसाज है, ये पीछे से मेरे नज़र आ रहा होगा बैक साइड से, खास नहीं था, पुअर सर्विस, और भी मतलब लेट बहुत दिया। अभी देखो हम दिन में घुसे, जैसे हम अंधेरे में निकल रहे हैं वापस, इससे पहले लाइट थी, इतना टाइम लगा, ठीक है। ये यहाँ पे है टंगमर्ग का पारसाज, सो एक्सपीरियंस जो था वो बकवास ही था, ठीक है, अंदर जाने का। बाकी हमने जितना खाया वाया उस चीज़ में मज़ा आया, खाने में भी ठीक ठाक टेस्ट था, एक्सट्रीमली भी नहीं था, ठीक है। बाकी
पोअर सर्विस बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी हम क्रॉस करेंगे और घर पहुँचेंगे। बाय बाय सकलेन, टाटा। हाँ जी, कई सुबह हो गई और अभी बज रहे हैं 9:30। सकलेन जा रहा है, ठीक है, शॉप पे। हम ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद आज की प्लान है वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। हाँ जी, एडिटिंग भी हो गई डन और आज का ये द्रंग ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर कहना है। और अगर आप कश्मीर के बाहर से है तो ज़रूर कहिएगा आपको ब्यूटी द्रंग की कैसी लगी। और अगर आप विजिट कर रहे हैं तो कमेंट्स में भी कहिएगा ज़रूर। और क्या, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, 20K की फैमिली को सपोर्ट करें और मुझे ग्रो करने में हेल्प करें। और तब तक के लिए इतना ही कहेंगे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। गलत वैसे बोला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और लाइक ज़रूरी करके जाना। व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर कहना। अल्लाह हाफिज़।